हेलो एवरीवन, आज हम दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है पैरेललोग्राम बेस के। पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, जहाँ पे सी ई और डी एफ हमारा परपेंडिकुलर गिवन है। तो हमने फिगर बना ली और गिवन जो हमें क्वांटिटीज़ हैं वो लिख ली हमने, क्या क्या गिवन है, और जो गिवन चीज़ें हैं वो हमने मैंशन कर दी हैं। ए बी हमारा 16 है, सी ई हमारा 8 है, ए डी हमारा 20 मीटर है। अब दो ट्राइंगल हम लेते हैं, ट्राइंगल ए डी एफ और ट्राइंगल सी डी ई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एंगल एफ ए डी और एंगल सी डी ई दोनों बराबर हैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ए बी और सी डी हमारी पैरेलल लाइन है और ए डी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, हेंस दे आर इक्वल। एंगल ए एफ डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, क्योंकि 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, सी ई डी हमारा एंगल 90 डिग्री बराबर हो जाएगा, गिवन है। इसी तरीके से थर्ड एंगल हमारा सेम हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो माइनस एक्स आ गया हमारा एंगल। तो इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए ए ए। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ए डी अपॉन सी डी इजिकल टू डी एफ अपॉन सी, सबकी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से हम डी एफ कैलकुलेट कर लेंगे, तो डी एफ हमारा आ गया 10 मीटर। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्राइंगल बेस्ड, इसमें तीनों साइड्स हमारी अनइक्वल गिवन है। तो जहाँ तीनों साइड्स अनइक्वल गिवन होती हैं वहाँ पर हम लगाते हैं हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला में क्या होता है कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या है हमारा पेरीमीटर बाई टू और ए बी सी हमारी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास एस आ गया हमारे पास 15। तो हमने एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने वैल्यूज निकाल ली, उसकी वैल्यू पुट कर दी 15 × 10 × 2 × 3। अब जब हमने 15 को 5 × 3 पुट किया, 10 को 5 × 2 पुट किया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 दो बार आया, 3 टू बार आया और 2 भी हमारा 2 बार आया। तो हम उनको एक साथ ले लेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट करेंगे उसका तो जाहिर सी बात है हर किसी का सिंगल क्वान्टिटी बचेगी, तो 5 × 3 × 2 यानी कि जो हमारा आंसर आया वो 30 स्क्वायर मीटर आया। अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो उसके निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमने निकालिया 30, इसको वैल्यू पुट कर देंगे इजिकल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमारी है AD, BC हमारी 13 है, तो AD हम निकाल लेंगे जो आएगा 4.62 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल और लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।